एक्चुअली अभी जो इंडिया में सोशल मीडिया का क्रेंस चल रहा है वो एक्चुअली देखने लायक है। तुम अभी भी इंडिया के किसी भी गांव शहर या फिर किसी भी गली में घुस जाओ, तुम्हें एक ब्लॉगर देखने को मिलेगा। नमस्ते, स्वागतम है आपका मीडियाकार न्यू रोस्ट वीडियो में। मेरा नाम रविकांत है और हम आज इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड ग्रेटेस्ट ब्लॉगर से मिलने वाले हैं और जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है और आज के समय में वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो चलो उनसे मिलते हैं और उनकी फार डालते हैं। गाना बजाओ। आप सबका मेरे इस फर्स्ट ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे आप लोग मेरे फैमिली मेंबर होंगे, इसीलिए अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जो कि ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। मेरे इस चैनल में लाइफ स्टाइल ब्लॉग आएगा और आप सभी का सपोर्ट रहा तो। गाँव में लड़कियों को चार दीवारों के अंदर बंद रखा जाता है। पापा की परी शहर की लड़कियां होती है, गांव की नहीं। गांव में उनके सपने के परिंदे के पंख काट लिए जाते हैं, पर फिर भी ये लड़कियां संघर्ष का रास्ता चुनकर खुद की मंजिल क्रिएट कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। घर में बैठकर देख रहा था माय फर्स्ट व्लॉग सबका वायरल हो रहा है। मैं भी घर पे बैठ कर सोचा मैं भी माय फर्स्ट व्लॉग बनाऊंगा और वायरल करूंगा। मैं भी निकल पड़ा घर से YouTube वीडियो बनाने के लिए। मैंने वीडियो बना के डाल दिया, मेरा वीडियो वायरल हो गया। इसी के खुशी में मैंने दारू पी लिया साला। चलो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इनके ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो गई। पीने पर कोई नहीं, इन्हें दारू पीनी थी, दारू पीने के लिए पैसे नहीं थे, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? YouTube पे, वो भी ब्लॉग बना के। वाओ, चलो इंटरेस्टिंग है। और इनकी करियर देखो कितनी अच्छी है कि वीडियो वायरल भी हो गई। हम लोग इतना सपोर्ट किए कि बंदे यूट्यूबर बन गए। और सही है, इनका कमेंट देखो, भाई मेरा भी नहीं हो रहा है, मन कर रहा है दारू पीकर शहीद हो जाऊं। वाओ, एक्चुअली ये जो उन्होंने कमेंट किया, सबसे पहले उन्हें बता दूं कि शहीद होना जो देश के लिए मर मिटता है उन्हें शहीद, दारू पी के मरना मरना ही कहलाता है। ये 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है जिनके बोलने के तरीके को देखो। मैं आपको बता दूं कि सभी ब्लॉगरों को एक ट्राइपॉड और अच्छे कैमरा की जरूरत होती है जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास है एक छोटा सा मोबाइल। गाइस इन पे टोटली 22 लाख व्यूज है। ओह माय गॉड। और ये है, ये भी 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है जिन पे टोटली 4 लाख व्यूज है। एंड ये इन पे टोटली 25 लाख व्यूज है। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ाई पे ध्यान ना लगा के यूट्यूब पे ध्यान लगाते हैं और आज के समय में सक्सेसफुल यूट्यूबर बनते हैं। इन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि वीडियो बनाते हैं, इन लोग की वीडियो वायरल हो जाती है। एंड मेरी किस्मत मैंने फर्स्ट रोस्टिंग दिया, फर्स्ट ब्लॉगिंग दिया, फर्स्ट यहाँ तक के रैप सॉन्ग भी दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब मेरी भी वीडियो वायरल हो जाए। मैं एक चीज दिखाता हूँ, इन्हें देखो। हेलो दोस्त, मैं हूँ रविकांत। आज आप लोगों को बताऊंगा पढ़ाई में किस प्रकार यदि मन लगाया जाए तो एक कड़ा एकाग्रता लगनी चाहिए। मुझे भी किसी, ये वीडियो मेरी लाइफ की पहली वीडियो थी, तब की वीडियो में और आज के समय की वीडियो में तुलना करो। एक बंदे के बोलने के तरीके, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनकी कॉन्फिडेंस, हर चीज की तुलना करो तो दिख जाएगा कितना अंतर है। और मिलते हैं कहीं और कभी और। धन्यवाद।